पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है okay. उसके दरमियान बकरा खड़ा है अच्छा. खाना वो इंडिया से खा रहा है okay. पानी पाकिस्तान से पी रहा है तो उसके दूध पे किसका हक होगा? बकरे के दूध पे ना, पाकिस्तान के दूध पे किसका हक होगा? पता नहीं, किसी का हक नहीं होगा. बॉर्डर पे उसके दूध पे हक होगा शहबाज शरीफ का. बकरा दरमियान में खड़ा है, खाना इंडिया से खाता है और पानी पाकिस्तान से पीता है. उसके कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो पाकिस्तान के लोगों से किया गया कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन. वो क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर पर एक बकरा खड़ा है, वो खाना तो इंडिया से खा रहा है और पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसका दूध कौन पिएगा? तो पाकिस्तान वालों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ये लोग बिल्कुल बददिमाग है. तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं. खाना तो इंडिया से खाता है, पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसके दूध पे किसका हक होगा? क्या क्या है, बॉर्डर पर बकरा कैसे होगा पहले ये बताया आप मुझे. कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है ना, कुछ भी हो सकता है. इमेजिन करने में मैंने कौन सा कह दिया कि वो देखे बॉर्डर है वहाँ बकरा खड़ा. मैंने कहा इमेजिन करें ना, एक इमेजिन कर लो कितना करने में कितना बड़ा बकरा होगा. जितना बड़ा मर्जी है, बस आप ये सोचे एक बकरा खड़ा हुआ है दरमियान में, ठीक है, खाना वो उससे खा रहा है इंडिया से, पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, उसके दूध पे किसका हक? ना पाकिस्तान का. पाकिस्तान का? पाकिस्तान का. क्यों पाकिस्तान का क्यों हक होगा? क्यों? क्योंकि वो खाना पाकिस्तान से खा रहा है, पानी पाकिस्तान से पी रहा है, तो हाँ खाना इंडिया से खा रहा है, तो पानी पाकिस्तान से पी रहा है तो पाकिस्तान का होगा. पाकिस्तान का होगा. पाकिस्तान का. नहीं गलत आपका. क्यों गलत है? गलत है. इंडिया का भी नहीं है. फिर सोचें सोचें दोबारा सवाल करना. इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में एक बकरा खड़ा है, खाना तो वो इंडिया से खा रहा है, पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसके दूध पे किसका हक होगा? अच्छा हाँ जी, दूध दूध पर दोनों मुल्कों का. इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, दरमियान में बकरा खड़ा है, खाना तो वो इंडिया से खा रहा है, पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसके दूध पे किसका हक होगा? बकरे के दूध पे किसका हक होगा? पता नहीं, किसी का हक नहीं होगा. किसी का? हाँ नहीं होगा. होगा, खाना जब वो खा रहे एक मुल्क से, पानी वो दूसरे मुल्क से पी रहा है, तो क्या हक बनता नहीं किसी का? नहीं, किसी का हक नहीं बनता. बकरे के दूध पे किसी का भी हक नहीं बनता. वैसे इंडिया का बनना चाहिए. इंडिया का बनना? हाँ इंडिया का बनना चाहिए. क्यों इंडिया का क्यों बनना? बस वो बकरे का दूध पीते रहते हैं ना, तो इसी वजह से इंडिया का हक है बकरे का दूध वही पिए. पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, उसके दरमियान में बकरा खड़ा है, खाना वो इंडिया से खा रहा है, पानी पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसके दूध पे किसका हक होगा? बकरे के दूध पे. के बकरी के दूध में? बकरे के. तो बकरा दूध नहीं देता बहन. बकरा दूध नहीं देता. हाँ अगर उसको ला के दोगे तो उसी का ही हक होगा, ना इंडिया और ना पाक, ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ ना मरियम. हाँ किसी का कोई हक? किसी का कोई? मुझे लगा था शायद जैसे पिछली आवाम कह रही है ना कि शहबाज शरीफ का ही हक होगा, क्योंकि वही हर हक में रहता है, तो मैंने कहा शायद कोई हक नहीं. कोई हक नहीं. शेयर करना चाहती, शेयर ये करना चाहती हूँ, खुश रहें, खुश रहने दें बस. और क्या कहते हैं, दूसरों की लाइफ को जो है ना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करें, और लड़कियों को इतनी छूट दें कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें. इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में एक बकरा खड़ा है, खाना वो इंडिया से खा रहा है, पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसके दूध पे किसका हक होगा? बकरा खड़ा है पाक बॉर्डर पे, उसके दूध पे हक होगा शहबाज शरीफ का. शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ. क्यों शहबाज शरीफ का क्यों होगा? वो कुछ छोड़े तो तब है ना, हर चीज़ तो वो मतलब एक इतना वो कब्ज़ा किए जा रहे हैं हर चीज़ पे, लोगों के राइट्स पे, ह्यूमन राइट्स पे, फैसिलिटीज़ पे. तो अभी जो रिसेंटली कंडीशन चल रही है तो उस पर भी इसी का हक होना चाहिए, शायद उसका इससे कुछ बन जाए. इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके दरमियान में बकरा खड़ा है, खाना तो वो इंडिया से खाता है, पानी वो पाकिस्तान से पीता है, अब उसके दूध पे किसका हक होगा? बकरा दरमियान में खड़ा है, खाना इंडिया से खाता है और पानी पाकिस्तान से पीता है, उसके बकरे का तो दूध नहीं होता. कॉमन सेंस है, बस थोड़ी बहुत है, इतनी नहीं है. मुझे लगा था शायद आप जवाब नहीं दे सकेंगे. नहीं. तो कॉमन सेंस में आ गया था बकरा. इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में दरमियान में एक बकरा खड़ा है, खाना वो इंडिया से खाता है, पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, और उसके दूध पे किसका हक होगा? शहबाज शरीफ का. वो कैसे? क्योंकि वही तो उसका ही हक चल रहा है, सिर्फ हुकूमत उसी के मामला तो उसी के. फिर भी सोचे ना, देखें अब जाहिर सी बात है वो खाना भी तो इंडिया से खा रहा है ना, उनको भी तो देगा, उनके साथ तो दगा नहीं ना करेगा. तो दगा कौन कर रहा है? देखे ना, बकरा है बॉर्डर के दरमियान में खड़ा है, खाना वो उनसे खा रहा है, पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसके दूध पे किसका हक हो? आपको शहबाज पे नहीं, लेकिन तो मरियम पे डाल देते, मरियम नवाज.
चले चले पाकिस्तान तो फिर इंडिया इंडिया से भी तो वो खाता है ना खाना, तो उनको भी तो उनका भी तो हक बनता है। उधर मोदी भी डाल देते हैं। नहीं एक बताएं, एक जवाब दें, किसका हक, पाकिस्तान के हक में दूँ या इंडिया के? तो आपको क्या लगता है कि एक बकरा है वो खाना भी यहाँ से खा रहा है, पानी भी यहाँ से पी रहा है, तो हक किसका होगा उसके? पाकिस्तान। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान वालों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, पाकिस्तान के लोगों में दिमाग की कमी है, उन्हें दिमाग खरीदना चाहिए। जैसे वो शादियों के लिए लड़कियों को खरीदते हैं, तो उन्हें अपना दिमाग भी खरीदना चाहिए यार। पाकिस्तान के आदमियों में तो बिल्कुल ही दिमाग नहीं है। उनसे कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन किया कि बॉर्डर पर एक बकरा खड़ा हुआ है जो कि खाना तो वो इंडिया से खा रहा है और पानी वो पाकिस्तान से पी रहा है, तो उसका दूध कौन लेगा, कौन लेगा? अरे बकरा दूध ही नहीं देता। पाकिस्तान वालों में इतना भी दिमाग नहीं है क्या? उनसे बकरा बोला है, बकरी नहीं बकरा, बकरा तो दूध ही नहीं देता, तो उसका दूध कैसे निकालेंगे? तो पाकिस्तान वालों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ये लोग बिल्कुल बददिमाग है, इनका दिमाग घुटनों में होता है, ये लोग बिल्कुल पागल है पागल। मैं तो इनको नहीं समझ पाती। अगर आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।